जब दलित और मुस्लिम एक हो जाएंगे तभी ये देश बचेगा, नहीं तो ये सारे लोग ये देश को डुबा के रखेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है, वो संविधान की हिफाजत हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ में रह के ही कर सकते हैं। हमको और कुछ भी अल्टरनेटिव नहीं है। अकबरुद्दीन साहब थोड़े गर्म दिमाग के हैं, लेकिन गर्म दिमाग भी जरूरी रहता है, लेकिन असदुद्दीन साहब जो है उनकी सोच में पूरे देश के लिए अच्छा ही उनकी सोच में है, सिर्फ मुस्लिम कौम के लिए नहीं है। अगर आज के तारीख में इस देश का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। हमने नासिक में एक अच्छा उपक्रम किया, 21 उम्मीदवार खड़े किए जिसमें हमने पुरोगामी लोकशाही अघाड़ी का गठन किया। लोग सोच रहे थे पुलिस अधिकारी क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने ये बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र के मोइन साहब, इन सब लोगों को इकट्ठा, इनकी जो भी हमको मार्गदर्शन के लिए जो भी प्रणाली है वो सारी प्रणालियों का इस्तेमाल करके हमको देश बचाने के लिए, इसके बाद में दलित और मुस्लिम एक होने की सख्त जरूरत है और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा लेट आ गया, लेकिन मोइन साहब का भाषण सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि बीच में थोड़ा सा वक्फा रहता है ना, जब ही शेर बोलते हैं तो एक लाइन में नहीं बोलते, बीच में थोड़ा छोड़ देते हैं, तो क्यों ना मैं वक्फे में कुछ आपसे बात करूं, ये मेरे दिल में बात थी, मेरी इच्छा थी। इसलिए मैंने मोइन साहब को रिक्वेस्ट की कि साहब आपका भाषण जारी रखो, जनता आपका भाषण सुनने के लिए आई है, एक पुलिस अधिकारी का भाषण सुनने के लिए नहीं, मैं इन लोगों के साथ में हमेशा रहने वाला पुलिस ऑफिसर हूं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और हमको ये नारा एक बार जोर में देना पड़ेगा, जय भीम जय मीम। थैंक यू, धन्यवाद।